मेले का बिग स्टार के कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे गोरखपुर के मेले में एक से बढ़कर एक हुनरमंद कलाकारों ने अपने हुनर का नजराना पेश किया। गोरखपुर के इस मेले में कलाकारों ने अपने कर्तव्य से किया जमकर मनोरंजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परितोष त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका अपने शो में जिसका नाम है हॉर्लिक्स। प्रस्तुत करते हैं मेले का बिग स्टार पावर्ड बाय न्यूट्रीन और इसके सह प्रायोजक हैं मोटी। दोस्तों, आज तरकुलहा देवी ऑडिशन का दूसरा दिन है, पर वहां का नजारा देख के तो ऐसा लगता है कि वहां के लोगों की प्रतिभा देखने के लिए ये दूसरा दिन भी कम पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश है। हम लोग मध्य प्रदेश से रहने वाले है और हम लोग यहाँ नटकी कला दिखाने हैं। ये मेलों के अंदर ज़्यादा करके हम लोग दिखाते, आपको इतना मनोरंजन कर देंगे, आप इसको देख के सोचोगे कि आगे क्या करेंगे और क्या कर नहीं कर सकते। नट ये ऐसे लोग हैं जो अपनी गजब की कला से सदियों से लोगों का दिल जीतते आए हैं। रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलकर ये बरसों से जबरदस्त बैलेंस का सबूत देते रहे हैं। इनकी ये कला देख कर दर्शक आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कला का अपना एक कीर्तिमान रहा है, इसमें जो रस्सी पर चलना और एक बांस हाथ में लेकर जो शरीर का बैलेंस बनाया जाता है वो बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे पता नहीं इस कला का कितना आर्थिक प्रतिफल इनको मिल पाता होगा, लेकिन ये अद्भुत कला है नट कला। मैं इस कला को सलाम करता हूँ और इस पूरे ग्रुप को अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। बिग मैजिक ने जो ये मंच प्रदान किया है उन लोगों को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जो कि मेले में अभी तक परफॉर्म कर रहे थे, ये मंच उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। और ये जो नट परफॉर्मेंस था वो फैंटास्टिक था। यहाँ तक तो हम लोग आ गए और जो मंच हमें मिलना था वो मंच हमें मिला और अपना अच्छी तरह से परफॉर्म दिखाया हमारे बच्चों ने हमें, और हमें विश्वास है कि यहाँ से नहीं, हम इससे आगे भी जाने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में हम लोग पास हो गए और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये जीत के रहेंगे। अपना नंबर आते ही प्रशांत ने पूरे मंच को अपने काबू में कर लिया। हर स्टेप के साथ उनका एक नया रूप देखने को मिलता। दर्शकों के साथ चयन करता भी उनके साथ झूमने लगे। क्यों भैया, मजा आ रहा है ना? बड़े मजे ले रहे हो, बड़ा ध्यान से चाचा, बड़े ध्यान से देख रहे हो, मजा आ रहा है ना? अरे ये अनोखे टैलेंट्स का अनोखा शो है ही मजेदार। वैसे मजेदार से मजेदार बात याद आई, गोरखपुर अपनी तमाम कलाओं के अलावा संगीत के लिए भी जाना जाता है। गोरखपुर ऐसा कलात्मक शहर है जहाँ के लोग जब दिन भर काम करके थक जाते हैं तो शाम को ढोलक झाल हारमोनियम लेके और मंदिर के आगे बैठ के और संगीत से अपनी थकान दूर करते हैं। सही कहा गया है, प्यार में जो प्रीत भर दे गीत वही है, शत्रु को जो मीत कर दे गीत वही है। तो ऐसे ही गीत संगीत और तमाम कलाओं को हम दिखाएंगे, लेकिन एक चिंटू से ब्रेक के बाद।